मनी ट्रांसफ़र करके, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके वहाँ से ये क्वांटिटी लाया गया। और नरेश, दूसरा आदमी ये नरेश और उनके गैंग, इन्हों भी 2017 मारेड मिली पुलिस स्टेशन बोल के, और एक है ये ईस्ट गोदर में, वहाँ पे पकड़ा गया। इन्हों जेल से में बाहर आया, वहाँ पे आते ही इन्हों भी बाद में शुरू कर रहा, क्योंकि ये गांजा का ये बहुत ल्यूरिंग बिजनेस है और रिस्क तो है लेकिन बहुत कमा सकते इसमें। एजेंसी एरिया में 1 किलो तकरीबन 1000 को मिलेगा। ये पूरा ट्रांसपोर्ट करने के बाद हैदराबाद में इसका दाम 1 किलो को तकरीबन 10 से 12 हज़ार तक 1 किलो पे बेचेंगे, ये लोग बेचते हैं। इसमें वरिंग फैक्टर ये है कि इसमें कंज्यूम करने वाले पूरा यूथ और कॉलेज को जाने वाले हैं, जिनका बैड हैबिट्स के वजह से उनके हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा और उनके फैमिली और फ्यूचर के भी ऊपर भी असर पड़ रहा है, जिसके लिए हमारा डीजी सर और कमिश्नर ऑफ हैदराबाद श्री बीवी श्रीनिवास सर, इन लोगों का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यह शहर हैदराबाद को पूरा ड्रग फ्री सिटी और गांजा फ्री सिटी बनाने के लिए। और इसी के कारण हमारा टीम, साउथ जोन टीम और पूरे टास्क फोर्स टीम लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से कुछ कोऑर्डिनेशन करके ये गांजा ट्रांसपोर्टेशन पूरा रोकने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें से अभी सक्सेस मिला इस बार, जिसमें 175 केजेस अभी आपके सामने देखे इसको पकड़े। और इसमें ये ऑपरेशन में पूरा हमारा इंस्पेक्टर साहब श्री शंकर, SHO कांचन बाग और उनके टीम, और हमारा साउथ जोन टास्क फोर्स टीम श्री के मधुमोहन रेड्डी और उनके सब इंस्पेक्टर्स श्री प्रसाद वर्मा, हकीउद्दीन, श्रीशैलम और वेंकट राम रेड्डी और उनके टीम से एक ट्रैप बनाया था। पूरे इसमें 11 लोग थे, सब लोगों को पकड़े गए। और इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व हो गए हैं वो लोग का भी डेटा निकाल रहे हैं। फिलहाल इनको SHO कांचन बाग को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके लिए गांजा का लिंक्स ही है, वहाँ पे फंडिंग भी इन लोगों के से पैसे, इन लोगों को एक्सट्रॉशन करके भी पैसे लेते, वो फंडिंग एंटी एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते, इसको इंकरेज भी करते। प्रिंट मीडिया उल्टा लगाओ।